हेलो बच्चों, ये बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे इसको, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे, बिकॉज इस वीडियो से आपको एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स आपके आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले हैं लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन, जो कि ICSE बोर्ड में पूछे गए हैं, वो भी क्लास 10th के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है यहाँ पर क्या है, कि जो मैंने यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन निकाले हैं वो पूरे पूरे पेपर्स को नहीं निकाले हैं, बल्कि मैंने चैप्टर वाइज में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है 12th, चैप्टर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, और यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। तो केवल आप क्या करेंगे, एक चैप्टर की प्रॉपर रीडिंग करेंगे, और रीडिंग के करने के बाद आप मेरे चैनल पे आप आइए, मैं आपको उस चैनल से उस चैप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे मैं बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको पूरी तरह से ये आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। तो देखेंगे अभी इसी वीडियो में ही इस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के पर्पज के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि इससे आपको कितना बेनिफिट होता है। अभी प्री बोर्ड में ही आपको इससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 2022 से जो पेपर लास्ट ईयर हुए हैं उसके क्वेश्चंस। और आपको पता है कि कोविड के कारण सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दो एग्जामिनेशन हुए थे। सेमेस्टर 1 में ये वाला चैप्टर आपके कोर्स में नहीं था, सेमेस्टर 2 में ये चैप्टर इंक्लूड था। तो सेमेस्टर 2 में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि सेमेस्टर 2 में आपका आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर स्टडी के भी आप पे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी हिस्ट्री की बुक में जितने भी पिक्चर्स आपकी बुक में है, आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि किसकी पिक्चर किसकी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री में। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लुक एट द पिक्चर गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, मतलब इस पिक्चर को देख के आपको इसके आंसर्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द लीडर इन द पिक्चर। इसमें जो लीडर दिखाया गया है वो उसका वो मतलब वो कौन है, उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। साथ के साथ उस पर क्वेश्चन और पूछा गया है, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम दिया गया था, गिविन टू द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप बोलते हैं किसके लिए, तानाशाह के लिए, जो उसने तानाशाह का अभ्यास मतलब तानाशाह था जो उस तानाशाही का रूल जो अपनाया था, तो उसके लिए उसको क्या नाम मतलब डिक्टेटरशिप को दिया गया है। तो इसका देखिए आंसर है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पिक्चर किसकी है। ये पिक्चर है आपकी, जी हाँ, एडोल्फ हिटलर की। और इसने जो नाम मतलब यहाँ पे डिक्टेटरशिप में मतलब रखा गया था वो क्या था, नाजी गवर्नमेंट थी, जिसका मतलब था वन मैन रूल। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेट एनी टू सिमिलर, दो सिमिलर आइडियोलॉजिस्ट, आइडियोलॉजिस्ट बोलते हैं विचारधाराएं, दो एक जैसी विचारधाराएं, अलग अलग जो तानाशाह हुआ करते थे उनकी दो उनकी विचारधाराएं दो सिमिलर आपको बतानी है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सिमिलरिटीज बिटवीन टू आइडियोलॉजीज ऑफ द डिक्टेटर्स आर। तो पहली आपकी फेथ इन डिक्टेटरशिप, इसका मतलब है तानाशाही में विश्वास। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे हिंदी क्यों लिखी है। देखिए मैं जानता हूँ कि कहीं कहीं हम लोगों को हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड समझ में भी नहीं आते हैं। तो मैंने ये उन बच्चों के लिए लिखी है कि जिनको अगर कोई मतलब बिल्कुल बेसिक में भी अगर 0 है, उनको बेसिक भी नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम बिल्कुल एक एक चीज़ को समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसका क्या मतलब है। तो फेथ इन डिक्टेटरशिप का मतलब है तानाशाही में विश्वास करना। तो पहले आप जो विचारधाराएं थी दो अलग अलग तानाशाही, तानाशाही किसे कहते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है किम जोन है, आप जब सब जानते हो किम जोन जो है वो एक तानाशाही की तरह मतलब यहाँ पे राज करता है आज भी, तो उसी तरह से हिटलर भी हुआ करता था जर्मनी का। तो यहाँ पे पहले जो अलग अलग मतलब तानाशाही लोग हुए तो उनका उनमें सिमिलरिटी क्या थी, तो पहली सिमिलरिटी थी तानाशाही में विश्वास करना, यानी कि खुद ही अपने आप में एक राजा बन के रहना, उसके आगे किसी को ना बनने देना। दूसरा, वन पार्टी वन लीडर,
एक ही पार्टी बनेगी और एक ही उसका नेता होगा। जैसे कि हमारे इंडिया में देखें तो कई सारी पार्टीज होती है, एग्जाम्पल के तौर पे बीजेपी हो गई, एसपी सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, तो कई सारी पार्टीज होती है और उन सब पार्टी के अलग अलग लीडर होते हैं। लेकिन इनका जो तानाशाही लोग होते हैं, इनका ये कहना था कि भाई एक ही पार्टी होनी चाहिए पूरे कंट्री में और उसका एक ही लीडर होना चाहिए, जैसे कि हिटलर था जर्मनी का। तीसरी है यहाँ पे बिलीफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म का मतलब बोलते हैं राष्ट्रवाद में, मतलब जो भी एग्रेसिव हो उसमें विश्वास करना चाहिए। एग्रेसिव का मतलब कि तुरंत एक्शन लिया जाए, कोई भी बात हो तो तुरंत उसको एक्शन कर दिया जाए, उस पर ज्यादा जांच पड़ताल ना करके एग्रेसिव नेचर का मतलब होना चाहिए। फोर्थ है बिलीव इन रेस्कल सुपरमेसी, जो जातिवाद जाति जाति मतलब होता है रंग रूप को देख के, उस पर भी इनका मतलब क्या था, मतलब ये बिलीव करते थे उसको भी लेके। तो देखिए आप सोच रहे होंगे मैंने चार क्यों लिखे, वैसे आपसे यहाँ पे दो सिमिलरिटी पूछी गई थी, दो सिमिलर पूछे गए थे, लेकिन मैंने चार इसलिए लिख दिए है क्योंकि कभी कभी ये तीन भी पूछ सकता है और कभी कभी ये चार भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इसमें से अगर दो पूछे गए तो फिलहाल इसमें से कोई भी दो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो 2022 का था, सेमेस्टर टू में पूछा गया। नेक्स्ट आते हैं हम 2022 में, इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया है आपका। तो इसमें जो पूछा गया है वो है गिव एनी टू रीजन फॉर द राइज ऑफ फैसिसियम, कौन से दो रीजन थे जिसके कारण मतलब फैसिसियम मतलब राइज मतलब उदय हुआ इसका। तो राइस ऑफ फैसिज्म के दो रीजन क्या थे, नंबर पहला था इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट हो गया था, दूसरा वीक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वीक का मतलब है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत वीक टाइप का, मतलब कोई भी उसको मतलब फॉलो नहीं कर पाता था और सब कुछ उसके विरोध में भी उड़ जाते थे, तो यहाँ पे फेलियर थी गवर्नमेंट, या उसको कह सकते हैं फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा क्लास कन्फ्लिक्ट, क्लास कन्फ्लिक्ट का मतलब विभिन्न समुदाय के बीच में संघर्ष होना अलग अलग ग्रुप के बीच में। थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म, मतलब कि यहाँ पे इन इनका खतरा रहता था समाजवाद और साम्यवाद का। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं दो रीजन, तो यहाँ पे मैंने आपको चार रीजन लिख दिए, तो इन चारों में से एक रीजन और भी है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशनल, राष्ट्रसंघ की विफलता। तो इन चारों में से कोई भी दो, सॉरी इन पांचों में से कोई भी आप दो आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब आते हैं ये आपका हो गया 2022 को हमने कर लिया, 2021 का क्यों नहीं करा, 21 में पेपर नहीं हुए थे कोविड के कारण, डायरेक्ट बच्चों को पास कर दिया गया था, उनमें कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, तो इसलिए उसका कोई क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो 2022 कर लिया, 2020 हो गया, अब हम आ गए यहाँ पे 2019 पे। तो देखिए 2019 पे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आया वो है आपका विद रेफरेंस टू द राइस ऑफ डिक्टेटरशिप एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते स्टेट एनी थ्री रीजन फॉर द राइस ऑफ फैसिज्म इन इटली। देखिए जो फैसिज्म हुआ था वो इटली में हुआ था और ये क्वेश्चंस अभी रिपीट हुआ है जस्ट पहले के 2022 में। तो यहाँ पे ये फिर से मैं वही लिख दे रहा हूँ, क्या था इकोनॉमिक क्राइसिस थे, दूसरा क्या था वीक गवर्नमेंट या फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी थी, तीसरा था क्लास कन्फ्लिक्ट, चौथा था थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिकेशन, और पांचवा था फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गया हमारे पास, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था वीडियो में आपको कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो हर साल रिपीट तो नहीं होते लेकिन कहीं कहीं 2-3 साल बाद बदल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक दो बार नहीं 3-4 बार पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका पहला। सेकेंड क्वेश्चन बी और सी के जो क्वेश्चन है ये अभी मैं आपको नहीं कराऊंगा बिकॉज ये आपका जो बी और सी पार्ट है ये अटैच होके आया है। ये राइस ऑफ डिक्टेटरशिप आपका 12 चैप्टर है और सेकेंड वर्ल्ड वार आपका जो है वो 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इनके आंसर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मिशन है केवल चैप्टर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना।
तो अभी मैं इसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपसे मैं मिलूंगा इसके लिए चैप्टर नंबर 13 में, जो कि है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए यहां पे हम आ चुके हैं 2018 में। 2018 में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, वो है आपके लिए, गिव एनी टू सिमिलरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ द नाजिम एंड द फैसिसियम। दो विचारधाराएं बतानी है इनकी। तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट था, ये आपका क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हुआ, अभी हमने जस्ट पहले ही करा है। तो देखिए आपको ध्यान में आ जाएगा, फेथ इन डिक्टेटरशिप, तानाशाही में विश्वास करना, वन पार्टी वन लीडर, एक ही पार्टी का एक ही लीडर होना चाहिए, बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म, बिलीव इन रेसियल सुपरमेसी। तो ये आपका जो है अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये फिर से दोबारा आ गया है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके लिए बस क्या होता है ना, कि इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए 80% इन्हीं में से रिपीट होना है, क्योंकि चैप्टर का कोर्स नहीं बदलता है, कोर्स वही रहता है। तो घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी क्लास के करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्टली उस एक तो आइडिया मिलता है और साथ के साथ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मतलब कलेक्शन हो जाता है। अब देखिए 2018 के बाद 17 में पेपर हुए थे, बट 17 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। तो 2016 में जो क्वेश्चन आया गया वो ये आपका पास, यहाँ फिर से पिक्चर स्टडी आ गई है, और पिक्चर के भी आप पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर स्टडी में है, आइडेंटिफाई द लीडर इन द पिक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम इस लीडर का नाम जान लेते हैं। तो ये लीडर आपका क्या है, बेनिटो मुसोलिनी है, और इसमें यहाँ पे पूछा गया था गिव टू एग्जाम्पल्स टू द स्टेट ऑफ द लीडर फॉलो द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो पहला इसका जो है एग्जाम्पल वो था बेनिटो मुसोलिनी कहा करता था कि इटली का विस्तार होना चाहिए या फिर नष्ट हो जाना चाहिए। इट मींस कि उनका कहना था इटली या तो बहुत तरक्की करे या फिर पूरी तरह से उसका क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पहला। और दूसरा हम ले लेते हैं, ही रीगेन्ड द आइसलैंड ऑफ द रोड्स, मतलब कि उसने रोड्स द्वीप पर पुनः अधिकार कर लिया। तीसरा है आपका कैप्चर अबिसिनिया इन 1936, 1936 पे अबिसिनिया पर कब्जा कर लिया था। तो कोई भी दो एग्जाम्पल इसके लीडर्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसने क्या क्या काम करे थे, इसने मतलब क्या क्या, ये मतलब इसने अपने स्टेट के लिए करा। सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, स्टेट थ्री फैक्टर दैट लीड द राइज ऑफ फैसिज्म। तो देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, दो बार आ चुका है, अब ये तीसरी बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं, अब आपको आंसर भी याद होने लग गए होंगे। राइज ऑफ फैसिज्म के क्या रीजन थे, इकोनॉमिक क्राइसिस था, वीक गवर्नमेंट थी, क्लास कंफ्लिक्ट था, स्टेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिकेशन था, और फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन था। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अभी तक हमने ज्यादा नहीं किए हैं और इसमें 3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये देखेंगे सी वाला पार्ट पे भी अगर हम आ जाते हैं, तो सी वाले पार्ट बाई क्वेश्चन भी यहाँ पे ये भी रिपीट हो गया है तीसरी बार। तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो देखिए मैं आपके पास आंसर फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, ये आपको समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितनी बार आ चुका है, तीसरी बार। दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो तीन तीन बार रिपीट हुए हैं। 2015 पे आते हैं, तो 2015 पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिसियम, इसका क्या मतलब होता है। फैसिसियम मीन डिक्टेटरशिप वेयर द पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन वन मैन ओनली। फैसिसियम का मतलब होता है जो तानाशाही होता है, उस वहां पे राज की जो पावर, राज की शक्ति जो होती है वो केवल एक ही, वेस्टेड का मतलब एक ही में विद्यमान, एक ही में उपस्थित होती है, एक ही आदमी के अंदर वो पावर होती है, यानी कि तानाशाही उसे कहेंगे
पैसिज्म का मतलब होता है तानाशाही, और तानाशाही का मतलब होता है कि जहां पर केवल एक ही व्यक्ति राज कर सकता है, उसके सामने कोई दूसरा लीडर नहीं होता है, और एंड इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द अदर्स टू ओबे हिज ऑर्डर, और ये भी जरूरी होता है कि अन सभी व्यक्तियों को उसके मतलब ऑर्डर को फॉलो भी करना पड़ता है। इट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड, और ये फैसिसम जो वर्ड आया है ये किससे आया है आपका, फैसिस्को, फैसियो से आया है ये आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी लिखने का मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि अगर आपको मान लीजिए कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप उसको हिंदी से भी समझ के यहाँ पे एक तो याद भी करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जब एक स्टोरी हमारे माइंड में होती है तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत मतलब याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो मेरा मकसद है कि यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है, हालांकि बच्चे हिंदी मीडियम से नहीं होते मुझे मालूम है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आते, तो मैंने उसके भी आपके लिए यहाँ पे आपके साथ हिंदी को भी साथ साथ लिख दिया है। टू थाउजेंड फोर्टीन पे हम आ चुके हैं। 2014 पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिम लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो देखिए यहाँ पे ये कई बार विचारधारा है फैसिज्म और नाजिम की आ चुकी है। तो यहाँ पे विचारधारा क्या थी, नंबर एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेके क्या थी कि इटली वॉन्टेड टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द ओल्ड एम्पायर। इटली जो वॉन्टेड मतलब चाहता था, रिवाइव का मतलब क्या करना, जीवित करना, द ग्लोरी मतलब उसकी मतलब इमेज को, ऑफ द ओल्ड एम्पायर जो पुराने एम्पायर थे उसकी इमेज को वो क्या करना चाहते थे, दोबारा से जागृत करना चाहते थे। तो ये पहला उनकी मतलब विचारधारा थी इन दोनों के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेके। दूसरा, सी ज्वाइन द एंटी कमिटन एक्ट इन द 1937 एंड फॉर्म आ 10 ईयर अलायंस विद जर्मनी टू स्ट्रेंथ हर पोजिशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एंटी कमिंटन अधिनियम था उसमें अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए जर्मनी के साथ 10 साल का उन्होंने क्या कर लिया था, गठबंधन कर लिया। तीसरा, इटली डिमोनेस्टेट हर इम्पेरियलिस्टिक डिजाइन बाई अटैकिंग एबिसिनिया। इटली ने मतलब क्या करा था, इटली ने एबिसिनिया पर हमला करके अपने समाजवादी मंसूबों का प्रदर्शन भी किया। तो यहाँ पे ये आइडियोलॉजिस्ट थी दोनों, मतलब फैसिज्म और नाजियम को लेके। और यहाँ पे जर्मनी में क्या थी उसकी, हिटलर को, हिटलर ने क्या करना चाह रहा था, मतलब यहाँ पे देखिए नाजिम जो है वो हिटलर को लेके, और यहाँ पे जो जर्मनी में है वो नाजिम का मतलब हिटलर से, और ये फैसियम आपका कहाँ पे था, ये इटली में, ये इटली से में और ये जर्मनी में हुई थी। दोनों ही अलग अलग जगह के तानाशाह थे, नाजियम का जो तानाशाह था वो कौन था, हिटलर। तो वांटेड टू रिस्टेब्लिश द जर्मन एम्पायर इन द इंटरनेशनल फील्ड। तो पहला यह था कि यहाँ पे ये हिटलर क्या करना चाहता था, मतलब दोबारा से स्थापित करना चाहता था जो भी एम्पायर थे जर्मन के वो इंटरनेशनल फील्ड को। दूसरा, ही फ्लोटेड द मिलिट्री कॉज इन द टेरिटरी ऑफ द वार्सलाई, यानी कि जो भी मतलब फ्लोटेड हुए थे उसका उल्लंघन जो भी हुआ था जिनके कारणों का, उसने वार्सा की संधि में सैन्य कारणों का उल्लंघन भी किया। इन 1938 ही एनेक्स्टेड ऑस्ट्रिया एंड डिस मेंबर्ड चेकोस्लोवाकिया। थोड़ा सा वर्ड बोलने में नहीं आ पाता, ये चेकोस्लोवाकिया को अलग भी कर दिया था। तो 1938 में उसने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया को क्या कर दिया, अलग कर दिया। 2013 में क्वेश्चंस आपका पिक्चर स्टडी से आया है, और पिक्चर स्टडी में आप देखिए ये पिक्चर एक बार अभी
2022 में यही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, तो ये फिर से आपके लिए पिक्चर वही आ गई, बस थोड़ा सा अलग है, एक पर्सन वही है लेकिन उसी पर्सन की दूसरी टाइप की पिक्चर है। तो ये लीडर आपने समझ लिया, ये लीडर का नाम क्या है आपका, एडोल्फ हिटलर है। और स्टेट एनी, और क्या पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन, स्टेट एनी फोर फैक्टर लेड टू द राइस डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी एंड इटली। तो यहाँ पे भी ये फोर फैक्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, डिससेटिस्फेक्शन द पीस ऑफ ट्रीट, यानी कि जो भी शांति संधियाँ हुई थी उससे असंतोष था। दूसरा इकोनॉमी फैक्टर था। तीसरा इनसफिशियंट एंड करप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तीसरा राइस ऑफ टोटेरियन आइडियोलॉजी। सी पार्ट इसका है, वाई डिड ही इन्वेंटेड पोलोलैंड, पोलैंड। तो मतलब इन्होंने क्या, जर्मन जो एडोल्फ हिटलर थे वो कहाँ के डिक्टेटरशिप थे, जर्मनी के। तो जर्मनी ने इन्वेडेड का मतलब आक्रमण करा था पोलैंड पर, क्या करने के लिए, रीगेन लॉस्ट टेरिटरी एंड द अल्टीमेटली रूल देयर नेबर टू द ईस्ट। इन्होंने क्या करा, जो जर्मनी में खोए हुए क्षेत्र थे, खोए हुए पार्ट थे, उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए पोलैंड पे आक्रमण किया, और अंततः लास्ट में पूर्व में अपने पड़ोसी पर शासन भी किया। तो यहाँ पे ये 2013 के जो क्वेश्चंस है, देखिए आपके पूरे 10 ईयर्स हो जाते हैं, 2023 चल रहा है और 2013 के मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो अगर इतने क्वेश्चंस आपने देखे कि कितने क्वेश्चन इसमें से क्या हुए आपके, रिपीट भी हुए। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन था, ये रिपीट, देखिए ये फिर से रिपीट हो चुका है, सिमिलरिटीज अब पूछा जा रहा है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन चौथी बार इसमें रिपीट हुआ है, 10 सालों में 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो को देख के आपको ये पता चल गया कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप बस आप लोगों को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलते रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि देखेंगे यही क्वेश्चन आपको एग्जाम से मिल जाएंगे, तो आपके मार्क्स पूरे पूरे एग्जाम्स में आ जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ से सजेशन करूंगा कि आप ये मत मान के चलिए कि मेरे वीडियो के जो क्वेश्चन है केवल इतने ही स्टडी करने हैं, मैं आपको ऐसा करने को नहीं बोलूंगा। आप चैप्टर पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपके जो नोट्स बनाए हैं आप उस नोट्स को भी पढ़िए, लेकिन साथ के साथ बस ये 10 ईयर्स करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हमने जो तैयारी करी क्या उसमें से ये क्वेश्चन हमारे पास मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो उसके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ के साथ दूसरे लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि मेरे को मोटिवेशन बनता है कि मैं भी वीडियो बनाने में और भी मेहनत करूं आप लोगों के साथ, और उम्मीद करता हूं कि बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं, पूरे पूरे मार्क्स आए, और जो भी उनका टारगेट है वो अपना टारगेट अचीव कर ले। तो मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।